आपसे एक निवेदन करूं, आप सौभाग्यशाली हैं यदि आपसे कोई कहने वाला है कि चिंता मत करिएगा, हम हैं खड़े आपके साथ। नारद जी ने एक दिन भगवान से पूछा, मानस में प्रसंग है, प्रभु जब मैं विवाह करना चाहता था और आपसे मैंने कहा कि अपना रूप दे दीजिए, आपने मुझे बानर बना दिया और मेरा विवाह नहीं होने दिया, क्यों किया ऐसा? प्रभु के ही कारण करे न दीना, जब विवाह मैं चाहे हूं कीना, प्रभु के ही कारण करे न दीना, आपने क्यों नहीं होने दिया? तब राम जी बोले नारद जी से, नारद जी सुनो मुनि, तो ही मैं कहूं सहरो सा, भज ही जे मोहि तज सकल भरोसा। राम जी बोले हे मुनिवर, हे नारद जी, मैं आपको ये उत्तर देने में मुझे हर्ष हो रहा है, मुझे अति प्रसन्नता है कि आपने ये जानने की जिज्ञासा मन में लाई, आप जानना चाहते हैं, और आपको बताने में मुझे हर्ष हो रहा है कि जो मनुष्य संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके मेरे भरोसे जब हो जाता है, तो मैं उस जीव की उसी प्रकार रक्षा करता हूं। कैसे? जिमी बालक राखे महतारी, जिमी बालक महतारी, समझते हैं महतारी मतलब माँ। भगवान कहते नारद, जिस प्रकार माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, मां की जितनी शक्ति होती है मां अपने बच्चे की रक्षा करती है। छोटी सी चिड़िया थी, छोटी सी चिड़िया, इतनी बड़ी बात, उसके छोटे छोटे पंख थे, जब भी तेज हवा बहती थी ना घोंसले के ऊपर, तो अपने बच्चों को अपने छोटे से पंख से चिड़िया दबा लेती थी। एक दिन बच्चे ने पूछा, मां जब हवा बहती है तो तू मुझे क्यों दबा लेती है? मां ने कहा कि बेटा इन पंखों को तू छोटा सा पंख न समझ, ये मां के पंख हैं, और मां की छाया जिसके ऊपर बनी रहे उसका जीवन में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। राम जी कहते हैं कि जो मुझे संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके अब मेरे भरोसे हो जाए, उस जीव की मैं उसी प्रकार रक्षा करता हूं जैसे मां अपने छोटे से बच्चे की रक्षा करती है। आगे कहते हैं कि वही बच्चा जब बड़ा हो जाए, वही बच्चा जब बड़ा हो जाए तो अपनी देखभाल खुद करने लगता है। जब संतान बड़ा हो जाए ना, अपनी देखभाल करने लगे, तो मां उसको छोड़ देती है, चलो तुम अपना करो। अब वो अपना कपड़ा निकालता है, अपना कपड़ा समेटता है, नहाता है, अपन काम अब स्वयं करता है, माँ नहीं करती। माँ किसकी काम करती है? जो छोटा बच्चा है कुछ नहीं कर पाता, माँ उसकी सारी देखभाल करती है। कीवट जी का प्रसंग कहता है, माई बाप भगवान के सामने बालक बन जाइए, छोटा बच्चा बन जाइए, हमको कुछ नहीं मालूम प्रभु, हम आपके भरोसे में हैं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां रख दोगे प्रभु वहीं मैं रहूंगा। है मांगना अविश्वास को दर्शाता है, मांगना कहता है कि सामने वाले में हमको विश्वास नहीं है, इसलिए मुंह खोल के मांगना पड़ता है। कीवट जी को भगवान दे रहे हैं, कीवट जी क्या बोले, अब कछुना न चाहिए
रे अब कर सुना कुछ नहीं चाहिए। कीवट जी को भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की, आगे बढ़े, वाल्मीकि ऋषि से राम जी मिले। राम जी ने पूछा, मुनिवर हम कहाँ रहें? वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी आप चित्रकूट में जाके रहिए, जीवन में आप दर्शन करिए। राम जी स्थान स्थान पर मुनियों से आज्ञा लेते हैं। राम जी तो सब जानते हैं, भगवान को क्या पूछना हो किसी से। भरद्वाज मिले तो पूछे, राम जी हम किस रास्ते पे जाए। वाल्मीकि जी मिले तो राम जी कहते हैं, हम कहाँ रहें? आगे अगस्त्य ऋषि मिलेंगे, राम जी मंत्र पूछेंगे, धरती से निशाचरों को अंत करना है, मार्ग बता। ये चरित्र क्या कहता है? ये चरित्र कहता है, कितना भी समर सामर्थ्य क्यों ना हो जाए, कितना भी ज्ञान क्यों ना हो जाए, हम सब प्रकार से पुष्ट क्यों ना हो जाए, जीवन में अपने से श्रेष्ठ से पूछ पूछ कर व्यवहार करने का स्वभाव रखना चाहिए। जानते हैं जीवन की आज वर्तमान समय में जीवन की एक सबसे बड़ी समस्या का मूल कारण है, हम श्रेष्ठ से पूछना बंद कर दिए हैं, हम श्रेष्ठ को बताना प्रारंभ कर दिए हैं। पूछना और बताने में बड़ा अंतर है। आप रामेश्वरम आए हैं, कई लोग पूछ करके आए होंगे, कई लोग बता करके आए होंगे। आप कहोगे, महाराज इसका क्या अंतर है? पिताजी रामेश्वरम में कथा चल रही है, जाने का भाव उठ रहा है, आज्ञा हो तो हो आऊं, ये पूछना हुआ। अब बताना क्या हुआ? पिताजी हम रामेश्वरम जा रहे हैं, ये बताना हुआ। जब आप पूछेंगे तो आपके श्रेष्ठ के पास अधिकार है आपको मना करने का, आपको उचित राय देने का, परंतु जब आप बताएंगे तो श्रेष्ठ कुछ नहीं कह सकता है, वो चुपचाप मौन होकर आपकी बात को सुनता रहेगा। यहां राम जी ने वाल्मीकि जी से पूछा, मुनिवर हम कहां रहें? वाल्मीकि जी ने कहा, राम चित्रकूट में जाके रहिए, मंदाकिनी जी का पावन तट है, कामदगिरी जी का क्षेत्र है। आप में से कोई चित्रकूट गए हैं? जो नहीं गए हैं हो आइए, ठीक ना, अद्भुत स्थान है धरती पर। आपको चित्रकूट देखने के बाद ऐसा अनुभव होगा, जो मेरा अनुभव मैं आपको बताऊं, आज भी चित्रकूट देखने के बाद लगता है कि राम जी के समय भी चित्रकूट ऐसे ही दिखाई देते होंगे। अद्भुत रमणीक स्थान है, भगवान आए रमे ओ राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। देवता स्थापत्य शास्त्र के प्रधान देवता विश्वकर्मा जी को लेकर कोल किरात के वेश में सारा देव समाज नीचे आया। देवताओं ने दो कुटिया बनाई, एक बड़ी कुटिया राम जी के लिए और उसी के सामने चोटी पर एक छोटी कुटिया लक्ष्मण जी के लिए। भगवान चित्रकूट में रहने लगे, मुनि लोग आए आशीर्वाद देकर गए, देवता गए, चित्रकूट में रहने वाले कोल भील भगवान से मिलने आए हैं। भगवान कितने दयालु हैं हो, जो भगवान के पास नहीं पहुंच सकते भगवान उन्हीं के पास पहुंच जाते हैं। आप दर्शन करिए, आकर कोल भीलों के साथ भगवान रहे। ये कोल भील राम जी से अपना भाग्य बनाते हैं, जैसे आप लोग बैठे हैं उसी तरह राम जी चित्रकूट में बैठे थे और पूरा कोल भीलों का परिवार आके बैठ गया राम जी के सामने, पूरा समाज आके बैठ गया। आके राम जी से सब कहने लगे, प्रभु आप यहाँ रहने का जो निर्णय लिए है ना, बहुत बढ़िया आपने निर्णय लिया। हम एक बात कहें प्रभु, आपको देखकर ऐसा लगता है, धन्य भूमि बन पंथ पहारा, धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाओ तुम धारा।
दिहग मृग कानन चारी धन्य दिहग मृग कानन चारी सफल जन्म भय तुम ही निहारी हम सब धन्य सहित परिवार हम सब धन्य सहित परिवार दिख दरस भरी नयन तुम्हारा दिख दरस भरी हम सेवक परिवार समेता हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकुचब आय सुदेता नाथ न सकुचब आय भील रघुनाथ जी से कहते प्रभु वो भूमि धन्य है वो वन धन्य है प्रभु वो नदी धन्य है वो पहाड़ धन्य है प्रभु में रहने वाले वो पक्षी धन्य है प्रभु वो पशु धन्य है धन्य बिहग मृग काननचारी मृग यानी पशु वन में घूमने वाले वो पशु पक्षी धन्य है कौन जिन पशु पक्षियों ने अपनी आंखों से आपका दर्शन प्राप्त कर लिया हो रास्ते में और प्रभु वो कितना धन्य है ये वो जाने लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं प्रभु हम सब धन्य अकेले नहीं सहित परिवार प्रभु हम पूरे परिवार के साथ अपने आप को धन्य मान रहे हैं आपका दर्शन प्राप्त हो गया जीवन में जितना हो सके सौभाग्य देखने का स्वभाव बनाइए क्या देखने का सौभाग्य कैसे देखें महाराज हम बहुत भाग्यशाली हैं हम बहुत भाग्यशाली हैं क्यों भाग्यशाली है रामेश्वरम आने का सौभाग्य प्राप्त हो गया ये कम सौभाग्य है क्या वो भी पुरुषोत्तम मास में हम बहुत भाग्यशाली हैं सौभाग्य दर्शन करिएगा तो सौभाग्य बढ़ेगा दुर्भाग्य देखिएगा तो दुर्भाग्य बढ़ेगा कई लोगों की चेतना ऐसी हो जाती है वो केवल कमी देखते हैं हम पापी हैं हम अधम हैं काहे अधम है वो भाई रामेश्वरम चले आए उसके बाद भी अधम हो अधम नहीं है हम धन्य है हम सब धन्य सहित परिवार दिखा दर्श झलक नहीं भरी नयन तुम्हारा प्रभु आपकी झलक प्राप्त नहीं हो रही है आपको हम नेत्र भर भर के देख रहे हैं घंटों से हम धन्य हैं कोलभील कहते हैं कि आप बिल्कुल डरिएगा मत राम जी अच्छा आप बताओ इतने लोग आप लोग बैठे हैं आप में से किसकी हिम्मत है कि राम जी से कहे कि राम जी आप डरिएगा मत हम हैं इनके मन में कोई कल छपट नहीं है हो ये निर्मल है कहते प्रभु आप डरिएगा बिल्कुल मत हम आपको यहां उदास रहने नहीं देंगे इस वन का एक एक पग पग हमारा देखा हुआ है हम रोज आपको घुमाने ले चलेंगे हम पूरा जंगल घुमाएंगे आपको प्रभु हम आपको सांप से बचा लेंगे हाथी से बचा लेंगे बिल्कुल मत डरिएगा एक ने पीछे से कहा बाघ भी बोल दो बोला हम बाघ से भी बचा लेते हैं
डरिएगा बिल्कुल मत। राम जी बोले, डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अब आप लोगों ने कह दिया कि डरिएगा बिल्कुल मत, तो मेरा सारा भय समाप्त हो गया, अब मुझे कोई डर नहीं है, मैं बड़े आनंद में हूं। एक कोल ने कहा, प्रभु एक बात कहें आपसे, लेकिन उस बात को कहने लायक हम हैं नहीं, लेकिन फिर भी कहना चाहते हैं, आप अपना परिवार छोड़ के यहां आए हैं ना, हाँ एक बात कहें नाग, आज के बाद आप हम लोगों को ही अपना परिवार मान लीजिए। हम सेवक अकेले नहीं, परिवार समेत। और आपसे प्रार्थना है प्रभु, नाथ न सकूच आय सुदेता, हमसे कोल भील कहते, प्रभु हम पूरे परिवार के साथ आपके सेवक हैं, मध्य रात्रि में भी कोई आदेश देना हो ना तो संकोच मत करिएगा प्रभु, जो मन करे वो आदेश दीजिएगा, मेरे परिवार के छोटे से बालक से लेकर और वृद्ध तक जितने लोग हैं, हम सब आपकी सेवा में यहां पर उपस्थित हैं, आप अपने को अकेला मत समझिएगा। कोल भीलों की बात को सुनकर मेरे भगवान इतने आनंद में उतर गए। आपसे एक निवेदन करूं, आप सौभाग्यशाली हैं यदि आपसे कोई कहने वाला है कि चिंता मत करिएगा, हम हैं खड़े आपके साथ। यदि आपके पास ये वाक्य कहने वाला कोई व्यक्ति है कि चिंता मत करिए हम हैं, तो आप अपने को धरती का सौभाग्यशाली जीव मानिएगा। होता नहीं है वो है? किसी को संबल प्रदान कर देना ये सहज व्यवहार नहीं है। आज ये कोल भील रघुनाथ जी को संबल दे रहे हैं। आप दर्शन करिए, वन में रहने वाले ये कोल भील मेरे प्रभु को संबल दे रहे हैं। कोल भीलों की बात को सुनकर रघुनाथ जी आनंद में आ गए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे प्रभु वेद बचन मुनि मन अगमा, ते प्रभु करुणा बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक। वेद बचन, वेद जानते हैं ना, कितने वेद हैं, चार वेद भगवान हैं। वेद जी को, वेद भगवान को जब भगवान के बारे में बोलना होता है तो कुछ भी कहने के बाद वेद एक शब्द का प्रयोग करते हैं, नेति नेति, नेति नेति अर्थात न इति, इतना ही नहीं अभी और है। जिस भगवान के बारे में वेद नहीं बोल पाते, वेद वचन मुनि मन अगम, मुनियों के मनन करने की शक्ति से परे है वो भगवान। बचन किरातन के सुनता, जिमि पितु बालक। जिस प्रकार पिता अपने छोटे से बच्चे की बात को ध्यान से सुनता है, उसी प्रकार मेरे रघुनाथ जी इन कोल भीलों की बात को ध्यान से सुन रहे हैं, जैसे मानो पिता पुत्र की बात सुन रहा हो। और ये बात उसी प्रकार है माई बाप, जैसे मान लीजिए आप रामेश्वरम आए हैं, अपने छोटे से बच्चे की उंगली को पकड़ के यहां पे तीर्थ में, कथा के बाद कमरे में जाकर आपका छोटा बच्चा आपसे कहे कि पिताजी मैं छोटा हूं तो मेरी उंगली पकड़ के आप रामेश्वरम लाए हैं, चिंता मत करिएगा, जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना
उस समय आपका बेटा युवान रहेगा, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी उंगली पकड़ के आपको कथा में ले आऊंगा। उस बात को सुनकर आपके हृदय को जो आनंद प्राप्त होगा, वही आनंद मेरे रघुनाथ जी को मिला जब ये कोल भील बोले, प्रभु चिंता मत करिएगा, हम आपको रोज घुमाएंगे वन में। मेरे प्रभु गदगद हो गए हो। यहां किसी ने पूछा कि भगवान जो मुनियों के सोचने से परे हैं, वो भगवान इन कोल भीलों की बात को सुन रहे हैं क्यों? शंकर जी कारण देते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हो जो जान निहारा, जानी ले हो जो जान राम सकल वनचर तब तो से, राम सकल वनचर तब तो से, कहीं मृत्यु बचना प्रेम पर पोसे, कहीं मृत्यु बचना बेधिसिया समेत दो भाई, बेधिसिया समेत दो भाई, बसहीं विपिन सुर मुनि सुखदाई, भगवान शंकर ने सूत्र दिया, राम जी को क्या प्रिय है? राम ही केवल, केवल राम ही प्रेम प्यारा कह देते तो हो सकता था कि प्रेम सबसे अधिक है, इसके अलावा ज्ञान भी होगा, वैराग्य भी होगा, लेकिन शंकर जी केवल लगा दिए, केवल और कुछ नहीं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम के मेरे रघुनाथ जी को केवल प्रेम प्रिय है। वन में रहने वाले कोल भीलों को भगवान ने अनेक प्रकार से संतुष्ट किया है, उनको दुलार करके भगवान ने विदा किया है। यहाँ गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे प्रभु वन में माँ जानकी और भैया श्री लक्ष्मण जी के साथ उसी प्रकार रह रहे हैं, कैसे? जैसे देवलोक में देवराज इंद्र अपनी अर्धांगनी माँ सची और पुत्र जयंत के साथ रहते हैं, उसी प्रकार भगवान वन में चित्रकूट में रहते हैं। आप कृपा करिए, देवलोक का ऐश्वर्य और चित्रकूट के वन का ऐश्वर्य, कोई तुलना है क्या? लेकिन भगवान वन में भी जैसे कोई देवलोक में आनंद में रहता है, भगवान वन में आनंद में रहते हैं। जानते हैं क्यों? स्वीकार धर्म के कारण। परिस्थिति को यदि स्वीकार करने का स्वभाव बन गया जीवन में, तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हम जो कह रहे हैं, स्वीकार करिए, सुखी रहना चाहते हैं तो स्वीकार करिए, जो हो रहा है उसको स्वीकार करिए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते, बेटा तुम सोचो वैसा हो जाए, खूब आनंद में आना, लेकिन जब तुम सोचो वैसा न हो, उल्टा हो जाए, तो इस बार आनंद में तो आना, साथ में मिठाई भी बांटना। हमने पूछा, सरकार ऐसा क्यों बोल रहे, तो उल्टी बात हो गई।
हमने सोचा वो हो गया तब तो मिठाई बांटना उचित है, सोचा उल्टा हो गया फिर क्यों मिठाई बांटना। बोले तुम्हारा सोचा नहीं हुआ तो किसी का तो सोचा हुआ है, फिर किसका हुआ सोचा हुआ, भगवान का सोचा हुआ हो गया है। तुम जो सोचे थे वो हो जाता तो हो सकता है कि आगे चलकर उसमें तुम्हारी हानि हो जाती, लेकिन एक बात याद रखना, जब भगवान का सोचा होगा तो जीवन में कभी हानि होने वाली नहीं है। वर्तमान में भले दिखाई पड़ जाए, इसलिए परिस्थिति को स्वीकार करिए। स्वीकार करने का धर्म जीव को दुखी नहीं होने देता है। मेरे राम जी को दुख क्यों नहीं है, प्रभु ने वनवास को स्वीकार कर लिया। एक ही परिवार में दर्शन करिए, राम जी स्वीकार कर लिए तो दुख सुखी हैं, चक्रवर्ती जी स्वीकार नहीं कर पा रहे तो रो रहे हैं। स्थिति एक ही है, परिस्थिति एक ही है, लेकिन मन की स्थिति अलग अलग हो गई है। भगवान बड़े आनंद में चित्रकूट में है।